हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो यार, आप सभी लोग को पता है कि जेईई मेंस की डेट को लेकर और नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर के अभी काफी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में यार, एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की तरफ से यार ये न्यूज है, मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पर इन्होंने छापा है कि एनटीए के डायरेक्टर ने, विनीत जोशी सर ने क्या बोला है जेई मेंस की डेट को लेकर के और जेई एडवांस की डेट को लेकर के। चलो मैं जल्दी से आर्टिकल दिखाता हूँ। जेई मेंस 2022 जो है वो दो चरणों में होगी, जेई मेन की परीक्षा, जाने कैसे रहेगा एग्जाम पैटर्न। चलो मेन में आपको एक चीज दिखाता हूँ जो इन्होंने छाप रखी, बड़े आप ध्यान से देखोगे कि सर, जो आपकी जेई मेन में इस बार परीक्षा है वो जो है दो चरणों में ली जाएगी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी जारी किया जाएगा। जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल और मई में ली जाएगी। मैं फिर इस चीज से खुश नहीं हूं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। वहीं रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगा और कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। यानी कि हर बार आप लोगों को पता होगा कि जेईई मेन्स वाले एग्जैक्ट 1 मंथ का टाइम देते हैं, 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा देते हैं, लेकिन इस बार यहां पर दिखा रहे कि मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन और मिनिमम 15 डेज दिया जाएगा, यानी कि 15-20 डेज देने की प्लानिंग चल रही है। तो अभी रजिस्ट्रेशन फैब एंड में नहीं, मार्च में ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ लेकर के दिखाऊं, जो कि मेन इन्होंने यार छापा है, कि एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया है कि जेई मेन की परीक्षा दो चरणों में होगी, जो कि अप्रैल और मई ये बोल रहे हैं, और जेई एडवांस की परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में ली जाएगी। इस बार देश के अलग अलग बोर्ड की परीक्षा समय पर आयोजित कराई जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में समय पर नामांकन कराना जरूरी है। तो ये न्यूज यार हिंदुस्तान वालों ने छापी है। तो इनका ये कहना है कि एनटीए डायरेक्टर विनीत जोशी का ये क्लेम है कि अप्रैल और मई में आपके जेई मेंस की परीक्षा दो चरणों में कराई जाएगी और जेई एडवांस जून एंड या जुलाई में कॉन्डक्ट किया जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 15 मिनिमम डेज आपको दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर योर जेई मेंस 2022 एग्जामिनेशन। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है एनटीए के डायरेक्टर की तरफ से। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ वन थिंग। मैं आपको थोड़ा सा चीजों के तरफ लेकर के चलता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो वॉट, अभी क्या सिचुएशन चल रही है यार? सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि दे आर डूइंग कि मार्च स्टार्टिंग में, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, ठीक है, जिसके लिए हमको कितना 15-20 डेज दिया जाएगा। अब आप सभी लोग को पता है 26 अप्रैल से बोर्ड है, तो अगर मैं एक एजम्पशन लूं तो समझ लो कि अप्रैल सेकेंड वीक तक, है ना, अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा आपके जेई मेंस का, ठीक है जी। उसके बाद 26 अप्रैल से आप सभी लोग को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम नॉट सो श्योर, जैसे कि मैंने एज्यूम कर लिया 15 मई तक बोर्ड्स चलेगा, ठीक है, मान लो। अब इन्होंने बोला है कि भैया पहला अटेम्प्ट अप्रैल में ले रहे हैं, दूसरा मई में लेंगे। सो दे आर प्लानिंग टू टेक एंड ऑफ मई में, ठीक है, एंड ऑफ मई में अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट होता है, एंड देन दे आर प्लानिंग कि जून एंड और जुलाई स्टार्ट में वो आपका एडवांस करा देंगे। सो ये कंप्लीट सीन अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं कि मार्च फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे 15 से 20 दिन के लिए, अप्रैल सेकेंड वीक में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, अप्रैल फर्स्ट सेकेंड वीक में 26 अप्रैल से आपका बोर्ड हो जाएगा, एंड ऑफ मई में सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा, जून एंड जुलाई स्टार्ट में आपका एडवांस हो जाएगा। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। अगर आप एक बहुत ध्यान से चीज देखोगे, ठीक है, आप मार्च में ओपन करो रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 दिन दो रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्रैल में जरूर से एग्जामिनेशन लो फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 26 अप्रैल से बोर्ड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम भैया यहां पर है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल के सेकेंड वीक में ले रहे हो और उसके बाद पूरा जो आपका 1 महीना है 20-25 दिन वो बोर्ड्स में जा रहे हैं, सो वेयर इज दैट गैप जो आपको 1 से 1.5 महीने का मिलना चाहिए, वो गैप कहां है? गैप नहीं है ना। हम लोग वो 15 डेज वाला गैप तब एक्सेप्ट करते थे जब 4 अटेम्प्ट होता था,
जब दो अटेम्प्ट होता है तो हमको कम से कम 1.5 से 2 महीने का गैप चाहिए होता है, क्योंकि हमने ये फीचर ही क्यों इंट्रोड्यूस किया दो अटेम्प्ट वाला, ताकि बच्चे को सफिशियंट टाइम मिल सके, वो उसका साल बर्बाद ना हो और वो सेम साल में ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, बट वो गैप ही नहीं नज़र में आ रहा है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। सो ये एक रिसेंट न्यूज़ निकल के आई है हिंदुस्तान की तरफ से, और उन्होंने यार साफ साफ आप देख सकते हो छापा हुआ है कि एनटीए के डायरेक्टर ने ये चीज़ बोली। आप देख सकते हो एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि 2 चरणों में होगी और जेईई एडवांस का ऐसा ऐसा होगा। सो आई एम नॉट हैप्पी। तो आप लोग जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, एक बार मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपका क्या थॉट है रिगार्डिंग द गैप बिटवीन द 2 अटेम्प्ट। पहले तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट से खुश हो क्या कि चलो भैया 2 अटेम्प्ट है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपन मेहनत करेंगे, लेकिन वेयर इज द गैप, वॉट यू थिंक अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन और जो पूरा इनका जो प्रोसीजर चल रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई भी डाउट होता है आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप में मिल जाएगी, मेरी सारी लिंक्स में आप मेरे से डायरेक्टली वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और जो भी मेरे साथ रिविजन करना चाहता है वो भी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं आपको क्विकली बहुत अच्छे से रिविजन करा रहा हूँ फॉर योर अपकमिंग जेईई मेन्स एग्जामिनेशन। तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना इस चीज़ को लेकर के। टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।